दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। रबी फसल एमएसपी 2021-22 गेहूं पंजीयन के लिए सरल एवं नई सुविधा शुरू हुई है। राज्य सरकार ने सभी किसानों के लिए गेहूं पंजीयन की तारीख तय कर दी है, लेकिन उसमें एक और सुविधा शुरू की गई है जिससे किसानों को बहुत सुविधा मिलेगी। अब रबी फसल का पंजीयन बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी किसानों को पंजीयन कराने के दौरान बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं वह सुविधा क्या है और आपको कैसे करना है। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि पीडीएस सिस्टम के साथ साथ जो गरीब कल्याण योजना थी उनकी, उसमें मध्य प्रदेश में अन्न की कमी नहीं रही, राशन की कमी नहीं रही, गेहूँ की कमी नहीं रही, यहाँ तक कि गरीब कल्याण योजना में दाल का वितरण हमारे सभी गरीब बहनों और भाइयों को किया गया। लेकिन लगभग 7,000 करोड़ रुपया जो हमने गरीबों को अन्न वितरित किया है, वो एक प्रक्रिया उसकी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद फिर राज्य को पैसा वापस मिलता है। तो फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी है तो वो 7,000 करोड़ रुपया मिल जाए राज्य को, मध्य प्रदेश को, ये मैंने आग्रह किया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि प्रक्रिया जितनी होती पूरी करने की वो पूरी करके ये पैसा मिल जाए मध्य प्रदेश को, इसके लिए वो सारे उपाय करेंगे। एक और है, जो राशन उठता है या जो हमने खरीदी की थी 11-12 से लेके अब तक के कुछ ड्यूज है लगभग 3,700 करके, वो भी मैंने निवेदन किया है कि कोरोना काल में थोड़ी आर्थिक कमर टूटी हुई है, ये पैसे अगर मिल जाएंगे तो बाकी कामों में हम ये पैसा खर्च कर सकेंगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इस प्रक्रिया को भी वो तेज़ी से पूरी करके और मध्य प्रदेश का हक मध्य प्रदेश को दिलाएंगे। मैं उनको भी और माननीय तोमर जी को, कृषि मंत्री है और एमएसपी पे खरीदी चना गेहूं के साथ साथ मसूर की और सरसों की खूब करवाई है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एमएसपी पर खरीदी जारी रहेगी, किसानों को भुगतान होगा, गरीबों को अन्न मिलेगा, मध्य प्रदेश प्रसन्न है। मध्य प्रदेश में गेहूं का पंजीयन 25 जनवरी 2021 से चालू होगा और ये 24 फरवरी 2021 तक चलेगा। लगभग एक महीने तक गेहूं का पंजीयन होगा। वह पंजीयन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। किसान करा सकते हैं पंजीयन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। आप अपने नज़दीकी पंजीयन केंद्र में जाकर के पंजीयन करा सकते हैं या फिर अन्य माध्यम से भी करा सकते हैं। पंजीयन के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे कराएंगे उसके बारे में जानकारी आई है, जिससे आपको सुविधा होगी उसी से आप पंजीयन कराएं। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 25 जनवरी से आरंभ होगा तथा 24 फरवरी तक चलेगा, अर्थात एक महीने तक पंजीयन चलेगा। किसान पंजीयन के लिए जिलों में केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं, सभी जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीयन केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप पंजीयन करा सकते हैं। रविवार एवं शासकीय अवकाश में आपका पंजीयन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन पंजीयन नहीं होगा, बाकी सभी दिन पंजीयन होगा। कलेक्टर साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के पंजीयन केंद्रों पर सुचारू रूप से हों, उसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जो पंजीयन सुनिश्चित कराएंगे। यानी किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो नोडल अधिकारी उस पंजीयन के बारे में जानकारी देंगे किसानों को, ताकि किसान पंजीयन करा सकें और अपना गेहूं या अपनी रबी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकें। साथ ही आने वाली कठिनाइयों और शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा, जिसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी विवेक सक्सेना ने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन जिले में स्थापित पंजीयन केंद्रों के अलावा गिरदावरी ऐप से किया जा सकता है, मध्य प्रदेश किसान ऐप से किया जा सकता है, कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर से किया जा सकता है, लोक सेवा केंद्र से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह सुविधा है, चार तरीके से आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। पहला तरीका है गिरदावरी ऐप, दूसरा है मध्य प्रदेश किसान ऐप अर्थात मोबाइल ऐप, तीसरा है कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर और चौथा है लोक सेवा केंद्र। अभी तक गिरदावरी ऐप पर पंजीयन होता था, लेकिन इस साल सरकार ने किसान ऐप पर पंजीयन करने की सुविधा दी है। लेकिन अब और दो सुविधाएँ चालू की हैं, कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आप पंजीयन करा सकते हैं या फिर लोक सेवा केंद्र, हर तहसील में लोक सेवा गारंटी केंद्र होता है, वहां पर भी जाकर के आप पंजीयन करा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सुविधा होगी। गिरदावरी ऐप तथा मोबाइल से पंजीयन करने में बहुत सारी समस्या आती है जो सभी किसान नहीं कर सकते,
आप अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र पर जाकर के भी पंजीयन करा सकते हैं या फिर कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर के पंजीयन करा सकते हैं। प्रत्येक पंजीयन केंद्र पर गेहूं पंजीयन के लिए पर्याप्त संख्या में पंजीयन फार्म रखे जाएंगे। बैनर तथा फ्लेक्स पर जानकारी प्रदर्शित की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह जानकारी पहुँचे और किसान अपना पंजीयन करा सकें। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुविधा है। रतलाम जिले में बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं गेहूं पंजीयन को लेकर के। सहकारी संस्था सरवन, जीवगढ़, ऐलाना, हरथल, रावड़ी, बाजना, शिवपुर क्रमांक एक, शिवपुर क्रमांक दो, लुनेरा, बिरमावल, बिलपांग क्रमांक एक, प्रीतम नगर, धराड़ क्रमांक एक दो, रामनोद क्रमांक एक तथा दो, बागरोद क्रमांक एक दो, नामली क्रमांक एक, सेमलिया, ताल क्रमांक एक, माधवपुर, आक्या कला, कछालिया, मकनपुरा, खारवा कला, पंथ पिपलोदा, निपानिया लीला, लसूड़िया, सूरजमल, मंडावल, अलोट क्रमांक एक दो। इस प्रकार से रतलाम जिले में बहुत सारे केंद्र बन चुके हैं। आप इन केंद्रों पर जाकर के अपनी गेहूं की फसल बेच सकते हैं। उससे पहले आपको पंजीयन कराना होगा। पंजीयन आप नज़दीकी कियोस्क सेंटर पर भी जाके करा सकते हैं, लोक सेवा गारंटी केंद्र पर जाकर भी करा सकते हैं, एमपी किसान मोबाइल ऐप से भी करा सकते हैं, गिरदावरी ऐप से भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से पंजीयन केंद्रों की संख्या अब हर जिले में बढ़ रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को आगाह किया था कि किसानों को पंजीयन के दौरान, फसल खरीदी के दौरान अगर दिक्कत आती है तो कलेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। उसी प्रकार से अब जिलों के सभी कलेक्टर अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने नीचे के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है कि यदि राजस्व विभाग में किसी भी प्रकार की, अर्थात किसानों को राजस्व से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आरए पटवारी इन जिम्मेदारियों को सुलझेंगे और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो नायब तहसीलदार को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि राजस्व कार्यालयों से दलालों को दूर रखा जाए। निचले स्तर पर जनता के काम रुकने पर दलालों को मौका मिलता है। नियमानुसार जो काम हो सकते हैं उन्हें तत्काल किया जाए और जो काम नहीं हो सकते उनके बारे में संबंधित को मौके पर ही वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया जाए ताकि उनको परेशान न होना पड़े। यदि आप इस प्रकार से परेशान होते हैं तो सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhabar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फिर फेसबुक पर, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।